इस साल रवीना टंडन डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कर्मा कॉलिंग वेब सीरीज में अमीर और शक्तिशाली इंद्राणी कोठारी की भूमिका निभाने और अलीबाग के बिलियनर क्लब की लीडरशिप करने के लिए तैयार है। कर्मा कॉलिंग में एक्ट्रेस को पहले लुक में इंद्राणी कोठारी के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें अलीबाग सोसाइटी को राज करने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं, उनकी लास्ट वेब सीरीज आर्यनक में भी इन्होंने पुलिस का किरदार निभाया था, जिसके लिए इन्हें काफी अप्रिसिएशन भी मिली। आगे एक्ट्रेस वेलकम टू द जंगल मूवी में भी नजर आने वाली है। इस सीरीज में नम्रता सेठ, वरुण सूद, विक्रमजीत विर्क, विराज पटेल, रोहित रॉय, एनी एला भी इस सीरीज में अलग अलग किरदारों में नजर आएंगी। ये वेब सीरीज को रुचि नारायण ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में इंद्राणी बताती है कि जब आप अपने जीवन में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी सही या गलत नहीं है, और इसमें वो ये भी मानती है कि वो कर्मा से ऊपर है और कोई चीज उन्हें छू नहीं सकती। आपको बता दूं, ये सीरीज एक अमेरिकन सीरीज ड्रामा रिवेंज का रीमेक है और नोवेल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। रिवेंज एक अमेरिकन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो माइक कैली के द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस सीरीज में मैडलिन स्टोव और एमिली वेंकप ने लीड किया है, जो कि 21 सितंबर 2011 को एबीसी पर शुरू हुआ था। अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि कर्मा कॉलिंग रिवेंज का रिमेक है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिवेंज से बेहतर परफॉर्म कर पाती है या नहीं। अब आज इसका ट्रेलर आउट होने वाला है, जो कि देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर उतर पाती है। आज इनकी ट्रेलर और प्रमोशन इवेंट भी है, जिसमें ये सारे सितारे शिरकत करने वाले हैं, जिनकी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बॉलीवुड की इसी तरह की न्यूज, गॉसिप्स और इन्हीं खबरों के लिए हमारे चैनल मूवी टॉकीज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।